उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अगर आम आदमी न्याय मांगने जाए तो अधिकारी थप्पड़ भी लगवा सकते हैं। मामला रायबरेली का है, जहां पर तहसील में तैनात एसडीएम आशुतोष राय पर हमराही को आदेश देकर थप्पड़ों से पिटवाने का एक फरियादी ने आरोप लगाया। मामला सादीपुर कोटवा गांव का है, जहां गांव निवासी देशराज नामक युवक का कहना है कि भूमिधरी जमीन पर न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया है, लेकिन न्यायालय के स्टे के बावजूद सफाई कर्मी को डी पुलिस कब्जा देना चाहती थी, जिसको लेकर वह सलोन तहसील में तैनात एसडीएम आशुतोष राय के पास शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं युवक का आरोप है कि एसडीएम ने सिपाही से कहकर थप्पड़ मरवाने शुरू कर दिए, जबरदस्ती भूमि पर कब्जा देने के लिए हाँ बोलने और कब्जा देने को कहा। न्याय देने के पद पर असीन सब डिविजन मजिस्ट्रेट की जब न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कब्जा दिलवा रहे तो आम नागरिकों का तो उत्तर प्रदेश में भगवान की बारिश है। फिर फिलहाल युवक द्वारा एसडीएम सहित सिपाहियों पर असीन कार्रवाई की मांग की। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम देशराज। कहाँ के निवासी हैं? सादीपुर कोटवा ग्राम तराई। थाना कौन पड़ता है? डी। तहसील कौन है? सलवन। कहाँ पे आए हैं आज आप? अब आए यहाँ कोर्ट में, सलवन तहसील। क्या मामला था, किस लिए? मामला था जमीन का था, उसके बाद हमारा कब्जा भी तक रहा है। कागज पे नाम है आपका? हाँ, कागज पे नाम है। कोई बात वगैरह हुई तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा, मुकदमा वगैरह चल रहा है क्या? मुकदमा चल रहा है, जमीन की किस्तों पे सीओपीया मुकदमा हमारा। किस्ते किसने लिया है? हमने लिया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुला के आने पर साहब ईवीएम के कमरे में हमको मरवाया, जबरदस्ती हमसे कहे इनको कब्जा दो। हमने कहा जब कोर्ट फैसला हो जाएगा तो कब्जा ले लेना। किसने मारा है? पुलिस वाले ने मारा। किसके कहने पर? एसडीएम साहब। लगभग कितने थप्पड़ पड़े? लगभग कम से कम 20-25 थप्पड़ पड़े, जब तक हाँ नहीं किए, जब तक मैं कहीं उसको और मारो। उसके बाद कह क्या रहे थे, किस लिए मरवाए थे? कह रहे हैं कि इनको कब्जा क्यों नहीं दे रहे हो। किसको कब्जा दिलवा रहे हैं? वो गीता देवी। वो क्या है, कौन है वो? वो हम जो खरीदा है। किसी पद पे है वो? कैसे है? हाँ, सफाई कर्मी। स्टे आपने लिया है? हाँ, हमने स्टे लिया। तो क्या स्टे की भूमि बैनामा हो गई थी क्या? बैनामा तो कभी करा, इसके लिए अभी ही लिया। तो बैनामा क्या न्यस्त हुआ नहीं हुआ? हाँ, बैनामा तो वकील साहब को कह रहे हैं लेखपाल की, हाँ बैनामा तो न्यस्त। क्या उसके बाद ही कब्जा दिला रहे हैं? हाँ, इसके बाद ही कब्जा दिला रहा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको मिलना चाहिए निराले। अगर न्याय नहीं मिला क्या करेंगे? क्या करेंगे? जमीन हत्या करके मर जाएंगे फिर क्या करेंगे? जहर खाकर। हमको न्याय चाहिए, न्याय के लिए यहाँ आए हैं, नहीं तो अगर हमको लड़ाई करना था तो वहाँ भी लड़ाई हो सकती है। निराले के लिए तो यहाँ आए हैं कोर्ट में हमारा फैसला। कितने सिपाही थे मारने में? कितने सिपाही थे? एक सिपाही थे। कौन बैठा था? एसडीएम साहब बैठे थे, वो डीएसओ बैठे रहे, उनके सामने वो एसडीएम